जिंदगी बुक निकाल लें प्लीज। एक्सरसाइज 10 पॉइंट सॉरी 11.2 चल रही थी हमारी शायद। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। गुड इवनिंग नलिनी सिंह शिव HCYT। यार आप लोग ना लेक्चर शेयर नहीं करते तो फिर ना मज़ा नहीं आता, पता है वो। रुको चलो 2 मिनट। देखो चलो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास का शेड्यूल है, जो मेरी क्लासेस चलती हैं, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इंडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो क्लासेस में ज़रूर आया करें। धीरे धीरे टाइम देखो कम बचता रह रहा है, अगर आप 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो। मेरा प्लस में कोर्स चल रहा है अल्फ़ा बैच नाम से, और 2 क्लासेस बेसिकली मैं लेता हूँ, एक अल्फ़ा बैच में और दूसरा अपनी तरफ से मैं लेता हूँ उसमें। और स्पेशल क्लास जो है ये फ्री क्लासेस हैं। अगर हम प्लस में सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे अपने आप को किसी कारण से, तो एटलीस्ट स्पेशल क्लास में आना चाहिए आपको। सीरियस है तब, हर किसी के लिए थोड़ा ना ये। चलो ठीक है, बाकी मेरी क्लास का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कभी भी अनलॉक करना चाहते हैं अपनी क्लासेस को, फ्री क्लासेस को, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उस दौरान भी एज अ रेफरल कोड आप इसे यूज़ कर सकते हो, PRN31, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। पराक्रम करके एक इनिशिएटिव अन अकेडमी की तरफ से लिया गया है, जिसमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनके द्वारा एक वेबिनार सेशन वीकेंड में लिए जाते हैं। इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, वो चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन लाइन होता क्या है कि लाइन के बीच का डिस्टेंस देखना। अभी डिस्टेंस जो लाइन के बीच का देखना है, ये लाइन ऐसी वैसी नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में है लाइन, यानी स्पेस में है ये लाइन। स्पेस में से लाइन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हमने जिस प्रकार की लाइनों को अभी तक पढ़ा वो 2D में होती है, यानी कि अभी तक हमने जिन लाइनों को पढ़ा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बने हुए प्लेन में पाई जाती है। प्लेन उसे कहते हैं जो 2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनता है। 4 तरह के प्लेन यहाँ पर बन चुके हैं एक्स और वाई के इंटरसेक्शन से। एक बात है, एक्स वाई प्लेन इसे कहते हैं, लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कभी कभी कह देते हैं। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी प्रकार की 2 लाइनें अगर आप ले लें, एक L1 और एक L2, तो ये 2 लाइनों की जो इन दोनों के भाग्य में लिखा है वो क्या है, जुड़ रहे हैं आपस में। ये एक्सीड आप इसे करोगे, थोड़ा आगे पर आप इन्हें एक्सीड करोगे तो ये आगे कहीं जाएगी, ये एक्सीड करते हुए आगे कहीं जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, कहने का मतलब है। तो क्या कोई दूसरा केस हो सकता है? हाँ, एक दूसरा केस भी हो सकता है कि एक लाइन अगर मान लेते हैं ये है, और दूसरी लाइन अगर मान लेते हैं ये है, दोनों लाइनें, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको दिख ना रही हो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की दोनों लाइनें L3 और L4 आपस में पैरेलल हैं, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। किसी प्लेन में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लाइन के साथ, या तो वह इंटरसेक्टिंग होगी या तो फिर वो पैरेलल होगी, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती। कोइंसाइड वाली जो आप बात कह रहे हैं वो इंटरसेक्शन में ही आ गई। तो कुल मिलाकर ये 2 बातें होती हैं यार, या तो इंटरसेक्ट करेगी या तो पैरेलल होगी। लेकिन स्पेस में एक तीसरी प्रकार की लाइन भी पाई जा, अरे मेरी आवाज़ आ रही है, एक मिनट यार, हेलो 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 आ रही। तो इसी प्रकार से स्पेस में तीसरी प्रकार की एक लाइन होती है, जिस जो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल होती है, जैसे कि इस प्रकार का केस।
ये एक लाइन समझे से ये आपकी तरफ आ रही, एक लाइन ये जा रही, ये दोनों लाइनों की तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे हाथ, और ये क्योंकि स्पेस में ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है यार, तो ऐसा केस स्क्यू लाइन कहलाता है। और ये प्लेन में ही ये कभी भी प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये स्पेस में ही एग्जिस्ट कर सकती है ये वाली सिचुएशन, क्योंकि दे बोथ आर लाइंग इन अ डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, हम चीजों को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज को हम कहते हैं स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन कहते हैं, नेदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल प्रकार की जो लाइनें होती हैं, और ये 3D में ही पाई जा सकती है, स्पेस में ही पाई जा सकती है, और दूसरा तरीका अपने पास नहीं होता। तो हमारा जो अभी टॉपिक है, दिस इज अबाउट स्क्यू लाइन का डिस्टेंस। स्क्यू लाइन में हम देखना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। मैं समझा दूं आपको, मैं इसके डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है ना, जिसको देख रहे हैं वो बता देना, मैंने पहले भी बता रखा है बहुत बार, मुझे लगता है वो अच्छी बात है, वो आना चाहिए पहले क्यों हुआ, लेकिन वो फिर अच्छा खासा विजुलाइजेशन उसमें चाहिए, मुझे नहीं लगता अभी आप मूड में है तो नहीं कहीं। चलो खैर, ये एक लाइन है और ये मान लेते हैं दूसरी लाइन है, और ये प्लेन की घटनाएं हैं यार, प्लेन में पाई जाने वाली ये लाइनें हैं। अब ये लाइन ऐसा मत सोचना कि पीछे जाके टकरा जाएगी, ये पीछे जाके टकराएंगी नहीं, मज़ेदार बात यही है, ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाली कभी भी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये स्पेस में, अब मैंने कह दिया तो है स्पेस में, मैं कह दूंगा प्लेन में तो फिर ये प्लेन में भी हो जाएंगे, मेरे कहने की देर है बस। तो अभी मैंने कह रखा ये स्पेस में, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। लाइन के बारे में हम क्या जानते हैं, लाइन के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो होती है वो किसी प्लेन से पास करती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सॉरी पॉइंट से पास करती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर टाइप की इक्वेशन होती है लाइन की यार, जहां पर बी वन ए वन इनका मीनिंग क्या है, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो उस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें ओरिजिन के साथ, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, मान लेते हैं पॉइंट पी से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है मान लेते हैं, और इसके पोजीशन वेक्टर को ए वन वैक्टर कह लेते हैं, तो वो है वो ए वन। तो बी वैक्टर, बी वन वैक्टर कौन है, बी वन वैक्टर ये जो जिसको आप लाइन कह रहे हो एल वन, इसके पैरेलल कोई एक गिवन वैक्टर होगा, सबने मेरे साथ लाइन की इक्वेशन पढ़ी है तो सब जानते हैं कि वट डू आई मीन बाई इट, सो दिस इज वट अ बी वैक्टर काइंड ऑफ बी वैक्टर, ये इसके पैरेलल, ये रेफरेंस में होता है, दिखाया नहीं जाता, आपको दिखा दे रहा हूँ यार, ठीक है। ऐसे ही कर ये जो लाइन है L2, इसके बारे में भी कुछ बातचीत होंगी कि ये लाइन भी किसी पॉइंट लेट से Q से पास कर रही होगी x2, y2, z2, इसकी भी अपनी कुछ इक्वेशन होगी इस तरह की, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, मैं लैम्डा ना कहके म्यू कह देता हूँ, म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर 2, 2। इसके पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे दैट विल अगेन गिव अस A2 वेक्टर, देगा दोबारा से, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, बीच में किसी को समझ नहीं आएगा, वेक्टर अलजेब्रा से तार जुड़े हुए पूरे चैप्टर के, इसलिए ध्यान रखें। बी वेक्टर कौन है, इसके पैरेलल कोई एक, इसके पैरेलल कोई एक होगा उसे बी टू वैक्टर कहेंगे, इतना जबरदस्ती नहीं है दिखाना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो अपना कंसर्न सिर्फ इन दो बी लाइन में, और हमें निकालना क्या है, हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है जो यहां कहीं पे है ये डिस्टेंस। अब ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता वरना वो चिपक से जाएंगे, आपको दिखेगा चिपके, वो चिपके नहीं, ये जो इलाका है इसमें, ये जो जहाँ पर ही टकरा रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, समझ लो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो लाइन के बीच का, तो वो हमें निकालना है। वो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल तरीका है, फॉर्मूला याद कर लो अभी फिलहाल के लिए, b2 - b1 वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन लेना है किस पर, सॉरी a2 - a1 वेक्टर का आपको क्या करना है, a2 - a1 वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है आपको b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर, ये इसका सिंपल सा रिजल्ट है। मैं प्रोजेक्शन वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा था मैं बता दूंगा, और एग्जांपल देकर समझाऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वही अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए मैं ज्यादा डेरिवेशन पे फिलहाल नहीं जा रहा, मन करे किसी को बता देना बाद में, ठीक है ना। फिलहाल ये इसका फॉर्मूला है, वेर a2 एंड a1 आर द रिस्पेक्टिवली पोजिशन वैक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑफ लाइन l2 एंड l1, एंड वट डू वी मीन बाई b1 वैक्टर एंड b2 वैक्टर, दे आर द पैरेलल वैक्टर फॉर द रिक्वायर्ड लाइन्स l1 एंड l2 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो है। इसको मैं प्रोजेक्शन की लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, a2 - a1 वैक्टर का डॉट हो रहा b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर, यह आपको क्या देगा, एक वैक्टर देगा क्रॉस प्रोडक्ट इसके यूनिट के साथ, और यूनिट आप जानते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रोजेक्शन, क्योंकि इसलिए प्रोजेक्शन कह रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट उससे मैच कर रहा है, जो डेरिवेशन है वो निकलता है इसी कॉन्सेप्ट से, इसीलिए मैं प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली जो याद कर ले रहे हैं वो अच्छी बात है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो हम पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। मैं एग्जांपल देकर चीज़ों को समझा देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इतनी बात मैं एक बार देख भी लूँ, किसी को समझ में तो नहीं आ रही कहीं यार। मयंक क्या था, मेरा कोर्स है अल्फा बैच, अल्फा बैच में पढ़ाता हूँ मैं, समझे यार। एक बार बताओ, लेक्चर शेयर करने की हो रही होती है हिंदी में, मैं बता दूं आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। स्क्यू लाइन जो है इसका, तो मैं भी अभी नाम भूल रहा हूँ थोड़ी देर में, मतलब इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या है हिंदी में, ठीक है ना। यार एक बात है भाई, यार लेक्चर शेयर नहीं करते आप, ऐसी बातें किया ना करो यार। आप डेरिवेशन जानना चाहेंगे, कौन कौन जानना चाह रहा है डेरिवेशन? देखो इधर आओ, देखो जरा ध्यान से, होता क्या है असल में समझो जरा एक बार, कोशिश करो समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी आप समझेंगे यार। ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, ये चीज पी क्यू वेक्टर का नामकरण तो नहीं पता किसी को क्या होगा? पी क्यू वैक्टर क्या सब जानते हैं? ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर होगा, और कैन आई से इट लाइक ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर? शाबाश, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि पी क्यू वैक्टर किसके इक्वल होगा, आपने बोला कि ये तो इसके इक्वल होगा, मैंने कहा अच्छा जी ये बात, आप बोल रहे हो और क्या, मैंने कहा एक बात बताओ यार, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज़्यादा नहीं, उसको मत देखो उससे समझ नहीं आने का। इधर देखो, मैंने पायल है छनकाई, नहीं नहीं ऐसे वाला था वो गाना था एक, अरे पायल तो पैरों में होती है क्या यार आप भी ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है हाथ है अपने पास सबके पास, ये दो हाथ है और ये स्क्यू लाइन टाइप की बना रहे हैं। मुझे जो अभी चाहिए चीज ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस इनके बीच का, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे जो अभी जीरो हो गया, इसे कहेंगे हम वो डिस्टेंस जो हम निकालना चाह रहे हैं डी वाला, अब समझना यार। अब कैसे करें इसे यार, अटक जाता ना मज़ा आ जाता यार, अटकोगे तो नहीं भैया? भैया अटक जाओगे यार, शा यार एक तीसरा बंदा चाहिए था यहाँ पे यार। ठीक, एक दिन मैंने इसके लिए इतना अच्छा खासा मॉडल बनाया था, चलो खैर हटाओ अभी फिलहाल। कहने का मतलब मेरा कुल मिला के इतना है कि अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो ये चीज़ वो है, वो चीज़ ये है, वो चीज़ ये है जिसकी मैं बात कर रहा है, ग्रीन कलर का। और ये जो ग्रीन कलर का है इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, क्या ये ग्रीन कलर की जो चीज़ है, जो लाइन है, वो इसके परपेंडिकुलर है और नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर है क्या यार? क्या कहते हो बताओ? जो इनके बीच का डिस्टेंस है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों के परपेंडिकुलर है? कुल मिलाकर वो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, बोलो नहीं है क्या? तो मैं एक बात कह दूँ यार, इस वैक्टर के भी परपेंडिकुलर, नीचे वाले वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट की याद आ रही क्या? कि जब हम कहते हैं कि ऐसा वैक्टर बताओ जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, उसके भी परपेंडिकुलर हो, तो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इस पहली लाइन की डायरेक्शन बी वन से डिसाइडेड है और दूसरी लाइन की इक्वेशन बी टू से डिसाइडेड है। तो मैं अगर लिख रहा हूं बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का यूनिट वैक्टर, अगर मैं लिख देता हूं, मतलब अगर मैं कहता हूं कि इसका यूनिट वैक्टर क्या होगा, दैट विल बी, समझना हिंट की तरह ले लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, और अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा और क्लियरिटी आएगी। ये क्यों निकाला मैंने इसको, मैं थोड़ी देर के लिए यूनिट वेक्टर से एन कैप टाइप का कह लेता हूँ। ये यूनिट वेक्टर कौन है? ये जो बीच में, ये जो परपेंडिकुलर, ईश्वर माफ करें, जो ये वाला, अरे यार ये तो, जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब इतना है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इतना तो मानते हो यार कि ये इसके अलॉन्ग होगी, एन कैप के, एन कैप की अलॉन्ग होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर ही होगा, क्योंकि वैक्टर है तो मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि होगी इस यूनिट वैक्टर के अलॉन्ग ही यार, ये वाली, ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है आपको, यही अपना डिस्टेंस है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, अब मैं क्या करूँगा, अब गेम खेलना है बस, लास्ट टाइम है, सुन लो जरा। इधर देखो, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मिरर है, समझना, ये कॉन्सेप्ट हम इंडक्शन जब पढ़ाते हैं, ईएमआई पढ़ाते हैं तब भी बताता हूँ। देखो फिलहाल
मैं ये कहना चाह रहा, दो केसेस हैं, एक तो वो आपके सामने बन चुका और दूसरा केस ये है। एक केस में मिरर छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, एक केस में मिरर बड़ा है ऑब्जेक्ट छोटा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी लेंथ की होगी? जो इमेज बनेगी यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है यार, इमेज जो बनेगी, कितने लोग मानते हैं कि इमेज का लेंथ और जो मिरर का लेंथ है वो बराबर है? मतलब इमेज का लेंथ उतना ही बनेगा जितना छोटा, जो इनमें छोटा है उसका उसकी लेंथ है जितनी, नहीं समझे? रुक जाओ, जो बड़ा है उसको मैं बी लिख रहा हूँ, जो छोटा है उसको मैं सी लिख रहा हूँ। जो बड़ा है इनमें मैं उसे बी लिखूंगा, जो छोटा है उनमें से मैं सी लिखूंगा। मैं कहना चाहता हूँ इसका प्रोजेक्शन जो पड़ेगा वो इतने एरिया में पड़ पाएगा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी क्या मैं कह सकता हूँ उस छोटे के बराबर होगी? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन छाया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों में इस बार जो प्रोजेक्शन पड़ेगा इतने इलाके का पड़ पाएगा, क्या मैं फिर से कह सकता हूँ कि प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो छोटे के बराबर ही होगी? यार दोनों केसेस में एक ही बात कॉमन आ रही है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, दो पॉसिबिलिटी होंगी। जब भी आप प्रोजेक्शन लेते हो तो हमेशा जो भी छोटा होगा, मिरर छोटा हो सकता है या ऑब्जेक्ट छोटा हो सकता है, छोटे वाले का लेंथ प्रोजेक्शन माना जाता है। क्यों बोल रहा मैं, सुनो इधर, मैं इसलिए बोल रहा है ऐसा क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इस चीज़ का मैं प्रोजेक्शन लेने वाला हूँ यार, ए टू माइनस ए वन का। किस पर? इस पर, इस पर, इस पर। और क्या ये बोलने वाली बात है कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? ये सबसे छोटा ही डिस्टेंस होगा यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसलिए इसका जब प्रोजेक्शन उस पर पड़ेगा, बड़े का जब प्रोजेक्शन, बड़ा ही होगा ऑलमोस्ट, बड़े का प्रोजेक्शन जब छोटे पे पड़ेगा क्या रिजल्ट आएगा? छोटा आएगा ना यार। छोटा क्या? छोटे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ही देता है यार, और छोटे का मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए हमें। अरे छोटे का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, चाहिए। मान गए वैसे मुझे यार, सच में। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चर्चाएं कर लेते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि यार ये आर्ट भी मेरी खतरनाक है वैसे। क्या मान गया, जबरदस्त, मजा आ गया। चलो इधर आ जाओ। अरे मैं भी, आप भी मान रहे कि मैं ही, मैं मानने में लगा हुआ अकेले अकेले। चलो इधर आओ, इधर देखो। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वैक्टर ऑन सी डी, कह लेता हूँ इसे, और सी डी कहो या ना कहो कोई दिक्कत नहीं है। सी डी को मैं थोड़ी देर के लिए अगर वेक्टर का फॉर्म दे दूँ तो नाराज तो नहीं हो गया? ऑन सी डी वेक्टर, वेर सी डी वेक्टर इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी एंड डायरेक्शन ऑफ सी डी इज व्हाट? एन कैप, जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट वेक्टर। अरे समझ गए, विल गिव अस दी मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, स्मॉलर ऑब्जेक्ट वगैरह ये कोई है नहीं ये चीज़ें। स्मॉलर ऑब्जेक्ट मतलब कि इन दोनों में जो भी स्मॉलर है, ये इसमें 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 कौन स्मॉलर है बताओ? सी डी स्मॉलर है, तो सी डी का मैग्नीट्यूड यानी कि सी डी मिलेगा कुल मिलाकर। और अगर एक बार आपको सी डी मिल गया तो आपको सी डी ही चाहिए था यार, क्योंकि सी डी चाहिए आपको। वो डिस्टेंस कितना है करके देख लेते हैं। आखिर कभी चाहता क्या पता कर लें जरा। पी क्यू वैक्टर का प्रोजेक्शन लोगे कैसे? प्रोजेक्शन लोगे एन कैप में, ऐसी तो लोगे। उस वैक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है, सॉरी उस वैक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है। पूरा वैक्टर क्या है? ये है पूरा वैक्टर, ये दैट विल बी योर रिजल्ट जो भी आने वाला है। प्रोजेक्शन लेना होता है तो आप जानते हैं प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। और बात वही है, मैं इसे अगली लाइन में लिख सकता हूं एन कैप, क्योंकि सी डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है? अरे वैसे मत देखना एकदम, इसमें देखो मत, इसमें कुछ नहीं होने वाला, जो मैंने बताया वो चीजें काम की है। पी क्यू वैक्टर डॉट एन कैप है। पी क्यू वैक्टर क्या हमें पता नहीं है कि हमने कितना सपोज किया था? डॉट एन कैप, एन कैप की क्या मैं वैल्यू डाल सकता हूँ? एन कैप था कौन? यहीं कहीं देख लो, हो गया काम 25, यही था, इसी की बातचीतें थी यार। अब आपको समझ में आया तो बता दो, नहीं आया तो नहीं बताओ, ठीक है? यही है वो डिस्टेंस यार, जिसको आप चाहे तो सी डी कह दो या जो कहना, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्शन लोगे छोटा वाला जो भी होगा इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा। इन दोनों में छोटा सी डी है, सी डी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, और वही अपने को चाहिए। बोलना जरा कितने को समझ में, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई थी।
इसलिए मैं कह रहा था वो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, समझा? अब बताओ किसको समझ में आया? तेरे नाल ही रहना जी, जेई मेंस में होते हैं क्वेश्चन रिपीट, ठीक है? और प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको पता चल रहा है। अरे किसी को समझ में तो नहीं आ गया यार, बोलते नहीं हो ना यार, इस बात से बड़ी नाराजगी है यार, क्या करें? खैर कोई गल नहीं यार। अरे मैंने लेक्चर शेयर भी नहीं करा आज यार। ओहो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सना जी, जो जग से कहना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सुना सुना इतना भी कैसे तू सुना। इधर देखो एग्जांपल तो ले लो यार, एग्जांपल लो क्वेश्चन का। चलो एक क्वेश्चन उठवा लेते हैं रास्ते से। आ जाओ 14th क्वेश्चन उठाओ, 11.2 का देखना जरा, ध्यान से देखेंगे। दे आर सेइंग फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आर वेक्टर इज इक्वल टू, छोटे छोटे बारीक चीजें होती है ना इसमें, वो आपको खुद पूछनी चाहिए, पता है आपको? क्योंकि मैं तो बताता हूँ, फिर कभी कभी क्या होता है, जिसने गौर नहीं किया उन क्वेश्चन पे वो उलझ जाता है फिर, क्योंकि वो फिर उसके लिए क्वेश्चन भी समझना एक बड़ी बात हो जाती है। क्वेश्चन अगर आपने समझा हुआ हो तो आंसर समझाना बड़ा आसान हो जाता है यार, इसलिए क्यूरियोसिटी प्लीज रखें यार, मतलब कॉम्प्रोमाइज कभी ना किया करें कि यार चलो ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं, क्यों होता होगा ये इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब काम की बात बतानी है, प्रैक्टिकली काम करते समय क्या ध्यान देना है आपको, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी काम की बात है माय डियर, प्लीज ध्यान से देखना। जब भी कभी कोई आपको बोला कि लाइन की के डिस्टेंस बताओ यार, दे आर सेइंग नाउ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये पता करना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि ये स्क्यू लाइन है कि नहीं है, सबसे पहले। इसके बाद क्योंकि मैंने पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी बताना है आपको, तो आपको देखना है कि ये पैरेलल तो नहीं है यार, और लाइन पैरेलल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? लाइन का डायरेक्शन प्रोवाइड कौन कराता है? उसका बी वेक्टर। और आपको पैरेलल की कंडीशन पता है यार, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर पैरेललिटी ऑफ टू लाइन्स, वर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लाइन्स लाइन वन एंड लाइन टू। तो मैं यही कहना चाह रहा, इधर ध्यान से देख लो थोड़ा सा, अगर आप इसे कंपेयर करोगे r इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वैक्टर से, दोनों लाइनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट, कि जो b1 है पहली वाली लाइन है उसका b1 कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत ही ज़्यादा, और अदरवाइज ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, कहानियों को स्टार्टिंग से पकड़ना पड़ता है, आपको याद होगा मैंने वैक्टर अलजेब्रा से कैसे कहानी स्टार्ट की थी, वहाँ से चलती है। अब सुनेंगे यार, क्योंकि ये पैरेलल है कि नहीं है इसका पता सीधे चलेगा, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दे आर वन माइनस वन एंड प्लस वन, ये डीआर से स्केलर कोफिशिएंट्स, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, टू वन टू ले लो रेशियो, पहले में देखोगे वन बाई टू, दूसरा माइनस वन बाई वन, तीसरा वन बाई टू, इट इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तीनों को म्यूचुअली इक्वल होना चाहिए, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज नॉट, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, सो व्हाट आर दे नाउ, दे आर स्क्यू लाइन्स, दे आर स्क्यू लाइन्स, सो इफ दे आर स्क्यू लाइन्स, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइन्स फॉर दिस,
एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला माय डियर्स, दैट फॉर्मूला वाज ए टू माइनस ए वन. वो डेरिवेशन से कम इतना ध्यान रहे कि हमने फॉर्मूला याद हो जाए, वो बड़ी उपलब्धि है अपने आप में यार. बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर करेंगे एंड जस्ट डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर बी वन क्रॉस बी टू. अब कर दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले का, इसलिए करके दिखा रहा हूँ. समझना यार जरा, होपफुली समझोगे. इधर आ जाओ. चलो ए टू ए वन निकालना मुश्किल नहीं है. दिस इज एक्टिंग लाइक ए टू वैक्टर एंड दिस वन इज एक्टिंग लाइक ए वन वैक्टर एंड वी कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. सो नाउ दवर कंसर्न इज ओनली फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर. दिस इज बिट कैलकुलेटिव एंड हाउ वी विल कैलकुलेट इट, आई कैप जे कैप एंड के कैप. नाउ जस्ट राइट द स्केलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बी वन एंड बी टू रिस्पेक्टिवली. बी वन वन माइनस वन वन एंड वट आर द डायरेक्शन रेशियो टू वन टू. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाई डिटर्मिनेंट मेथड. आई कैप इज आई कैप हेयर माइनस टू माइनस वन. लेट्स जस्ट टेक नेगेटिव सिंबल इन फ्रंट ऑफ जे कैप. कॉलम रो वन टूज आर टू, माइनस टू वन आर टू, प्लस के कैप. हेयर यू हैव वन वन आर वन, माइनस माइनस टू, वन प्लस टू एक्चुअली. सो फ्रॉम हेयर यू कैन ईजिली कंक्लूड द वैल्यू ऑफ बी वन क्रॉस बी टू विच इज जस्ट इक्वल टू वट माई डियर्स, माइनस थ्री आई कैप माइनस माइनस दैट विल मेक इट प्लस. ओह गॉड, दैट विल बी जीरो जीरो. एंड हेयर यू आर विथ थ्री के कैप. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर. एंड एज वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि वट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वैक्टर विल गिव अस अ वैक्टर अगेन एंड दैट इज इट. अभी हम क्या करेंगे, वी आर नाउ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मूला हियर. Now, how we will calculate the magnitude of any of the vector? By just doing the summation of the square of its scalar component and by taking the square root. So, minus 3 square will give you 9 and 3 square again will give you 9 and there is no j component, so that will be 0. 9 9 18, 18 ko aap, are kya kar sakte ho? 9 9 18, root ke andar 18. 18 ko likhne ka tarika ho sakta hai, jyada se jyada 2 9, 3 9, matlab jo bhi hai ye. 3 root 2 keh sakta hai kehne wala. क्या कहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, मीठी मिर्ची में मिर्च मसाला. पता नहीं ऐसी कुछ था यार. ठीक है, चलो ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास सारे जरूरी सामग्री हैं. अब छोंका छोंका सब लगाएं यहाँ पे डाल डाल के. अरे यार, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, टू माइनस वन दैट विल गिव यू आई कैप ओनली, माइनस वन माइनस टू दैट विल गिव यू माइनस थ्री माई डियर्स. माइनस वन माइनस वन डॉट ले लो, इसका डॉट. आशाएं उड़े की उम्मीदें हंसे दिल की. पहले ये ले लो मॉड, क्या पता वक्त का क्या भरोसा नेगेटिव आ जाए. वन माइनस थ्री डॉट प्रोडक्ट आता होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स माइनस थ्री जीरो जीरो, माइनस टू प्लस थ्री. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. देखना यार जरा कोई आंसर क्या आ रहा, आंसर देख सकता है कोई यार? कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया रास्ते में? कोई भरोसा नहीं है मेरा, भरोसा मत करना भाई. चलो अरे थैंक यू सो मच शॉर्ट्स यार, थैंक यू सो मच. करेक्ट आंसर. आप भी ने, मैंने आपसे मजाक किया क्या? आप लोगों को शक हो गया? ये चेक कर रहा था मैं आप लोगों को मेरे पे कितना भरोसा है. किसी को नहीं है यार भरोसा, सब आंसर शीट में चेक करके आ गए. चलो खैर कोई बात नहीं, होगा धीरे धीरे होगा भरोसा. फिलहाल आगे बढ़, मुझे लगता है आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आ चुका होगा. नमस्ते अजीत, नमस्ते. बहुत जल्दी आए, क्या बात यार इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? चलो आगे बढ़ें इसी बात पर. यार अब ऐसा है ना भाई, इधर आओ, एक बात बताऊँ आपको.
देखो एक काम करते हैं, 15th क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में होंगी या वेक्टर फॉर्म में होंगी। यार डिस्टेंस निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म देख लिया, कार्टेशियन भी देख लो लगे आते एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है यार, इंडिया में रह रहे भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, चलो वाई प्लस वन ओवर माइनस सिक्स, जेड प्लस वन ओवर वन, क्या है लाइन इस बार कौन से फॉर्मेट में दी गई है, कार्टेशियन। इतना ही खेल सकते हैं, थोड़ा और खेल सकते थे, लेकिन बेचारे बड़े मतलब शरीफ किस्म के लग रहे हैं मुझे यार किताब वाले, ने खेला नहीं उन्होंने आपके साथ सच में। ये हो गया डिंग 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 डिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारे, मतलब मैं क्या बताऊँ सच में। फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। स्टार्टिंग से देखा होगा अगर हमने तो सुपर क्लियरिटी होगी यार हमें, वरना कुछ होगा लग सकता है ये यार ये क्या मंगल ग्रह की बातें चल रही है, ऐसा लग सकता है किसी को शुरुआत में जो अभी भी देख रहा होगा। फिलहाल खैर मैं आपको बता दूं, इन्होंने गेम खेल सकते थे, नहीं खेला भी जा रहा हूं मैं, क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते थे कि टू वाई लिख देते, फिर मुझे इसे चेंज करना पड़ता, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशियंट वन रहने चाहिए। आप देख रहे होंगे इस केस में एक्स वाई जेड तीनों के कोफिशियंट वन है, नीचे भी सेम टू सेम है, काम ही नहीं करना कुछ यार, बस देखो और काम कर दो नीचे। अब अगर एक्स वाई जेड के कोफिशियंट वन वन है, तो नीचे वाला जो है वो पक्का आपको बी वेक्टर बना के दे रहा लाइन का। सबसे पहली बात, कंपैरिजन से एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू निकाल देते हैं इस लाइन के लिए। आ जाओ कंपैरिजन से कौन है, पकड़ो यार जरा, बस माइनस वन होगा ध्यान से प्लीज, क्योंकि क्या होगा एक्स प्लस वन ऐसा होगा एक्चुअली, एक्स माइनस माइनस वन, एक्स माइनस से कंपैरिजन तो एक्स वन कौन माइनस वन, समझ रहे होंगे आप शायद, y माइनस माइनस तो समझ लो यार इस बात को, नहीं समझ रहे तो बोल भी देना, और इसीलिए कहते हैं लाइव में आना चाहिए जिनको समझ नहीं आ रहा बाकियों को, ठीक है। अब सुनो, अब आगे, अभी जो नीचे बैठे पड़े हुए वो कुछ और नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग b वेक्टर है, तो पहली लाइन है तो b1 कह देता हूँ यार, सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस का k कैप, एक बात। अब रही बात, अब दूसरी लाइन के लिए भी यही काम कर दो, इस लाइन के लिए आप देखोगे एक्स टू वाई टू जेड टू, बेसिकली व्हाट इज दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा चिंता ना करें। ये तीन पांच सात डायरेक्ट कंपैरिजन है सीधा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड, तो बी टू वैक्टर जो पैरेलल वैक्टर होगा वो देख लो, ठीक है। अब देखो फिगर में क्या था, आए हैं मुसाफिर की तरह मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, तुझसे बिछड़ कर। इधर देखो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, आ जाओ। ये पहल ये पॉइंट से पास कर रही लाइन इस तरह की बना लो, कुछ जा रहा किसी का बनाने में ये, और दूसरी लाइन वो दिख रही है आपको, लो उसको बना लो यार ऐसे करके, क्या दिक्कत है इसमें। अभी इसके जो पैरेलल होगी ना एक लाइन, इसके जो ठीक पैरेलल, इसे लाइन वन कह दो, इसे लाइन टू, इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वो है यार। अब मैं लो हल्का सा छोटा सा बना देता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, सेवन आई कैप, बस ये काम अगर हम कर दे रहे तो क्या यार, फिर मजाक हो रहा हमारे साथ बिल्कुल ही। चलो आ जाओ, इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा वो है बी टू वैक्टर, सबने लाइन की क्वेश्चन पढ़ी है, सब क्लैरिटी से जानते हैं यार। चलो ठीक है, हमें इसका डिस्टेंस बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस, कहीं आगे जाके वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको, समझ गए आप, वो समझ चुके हैं आप, ऐसे करके होगा ऐसे करके होगा, मैं नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस डी होगा वो हमें निकालना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, होगा क्या क्वेश्चन जिसके होंगे वो लिखते रहना, अभी थोड़ी देर मैं चैट सेक्शन में देखूंगा फिर मैं जवाब दूंगा। इधर देखो, अभी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है चेक करने की, कहीं लाइनें पैरेलल तो नहीं थी पता चल रहा, ये भी चेक करना होता, मैंने लगे हाथ कर लिया था हवा हवा में। चेक कैसे करते हैं, जो भी बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर के कॉम्पोनेंट्स का रेशियो लो, सेवन बाय वन है ना, ऐसे ले लो सीधे, माइनस सिक्स बाय माइनस टू एंड वन बाय वन, किसी भी एंगल से किसी को इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे, इसका मतलब दिस इज नॉट पैरेलल, सो
द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ स्क्यू डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन शुड बी अप्लाइड हियर. तो पकड़ लो यार उसका फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या पकड़ा था आपने डिस्टेंस का? कैलकुलेशन आपके हवाले कर दूंगा. नहीं यार नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा था. नहीं चलो छोड़ो, मैं देता हूँ. बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर. चलो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर. ये ठीक है. वैल्यू डालना बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है. क्योंकि आपको कोई बोलेगा ए वन ए टू कौन है, तो ये जो है यहीं से ए वन का निर्माण हो रहा है. माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का के कैप. कौन है ए वन? इसका पोजीशन वेक्टर, ये ए वन वैक्टर. इसका पोजीशन वेक्टर ए टू वैक्टर है. अब आपके सामने सारी की सारी चीज़ें. क्या हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं क्या यार? अरे बोलो भैया, निकाल सकते हो क्या आंसर? यस नो बोल दो यार. नहीं बोल रहे तो फिर मैं जा रहा हूँ. आंसर निकालना इस पर वैल्यू डाल के. आँखों में तेरी. चलो एक पैरेलल का बता देता हूँ एग्जांपल, फिर निकल लेते हैं. ठीक है इधर देखें. चले असल में क्या होता है कि पैरेलल जब लाइन होती है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम देख रहे हैं. अच्छा ऐसे करके आ जाओगे आप हमारे साथ? अरे यार ये नहीं आएगा, ये तो कसम खा के बैठ गया, मैं आऊँगा ही नहीं. डिस्टेंस सुन लेना यार, जरा प्लीज कृपा करके सुन लेंगे जरा. एक लाइन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर. दूसरी लाइन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वैक्टर. अब जैसे ही लिखूंगा मैं बोलूंगा दो पैरल लाइन, आपके दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए कि दोनों ऐसे क्यों लिखे, इनको वन टू क्यों लिखा. अब सुन लो जरा, होता क्या है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू इस प्रकार से दिया हुआ. लेट अस से देयर इज अनदर लाइन लाइक दिस. सुन लेना जरा, बताओ देख देख के ही दिख रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड कंपेयर करोगे आप आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर से, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बी एक जैसे हैं. और वन टू थ्री पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है एंड द सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू वन थ्री फाइव. सेकेंड लाइन यहाँ से पास कर रही है. जब हम एक काम करते हैं वो काम कुछ इस प्रकार का होता है कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है. ये मैंने पैरेलल जानबूझ के बनाया क्योंकि मुझे पता है कि जो पहली लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है. वेक्टर का नाम है आई कैप जे कैप प्लस के कैप के पैरेलल है वो. और अगर वो उसके पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी तो वही है, उसी के पैरेलल. तो इसका मतलब दूसरी को भी इसके पैरेलल बना लेते, दोनों लाइनें ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई यार. एक केस ही है, समझ में आ रहा होगा कि आपको पैरेलल लाइनों को मैं समझा रहा हूँ कि देखना कैसे, डिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे. दूसरा केस हो सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस टू जे के प्लस थ्री के कैप है, मान लेते हैं. अब क्या होगा, मान लेते हैं देयर इज अनदर लाइन लाइक दिस. थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो लैम्डा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा ही मान लो इसे.
अब ये लाइन है, अभी भी ये दोनों लाइनें पैरेलल है, क्योंकि पैरेललिटी का पता कैसे चलता है कि हमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, वो मसला ही नहीं है। तो बात क्या है, बात ये है कि उनके जो कोफिशियंट्स होने चाहिए, 1:1, 1:1, 1:1, दे ऑल शुड बी इक्वल हैं, तो इसलिए इट इज़ पैरेलल। नाउ 1:2, 2:4, दैट विल लिख लो यार, छोड़ो, 3:6, दे ऑल आर इक्वल, यस दे आर, सो दैट्स वाई इट इज़ पैरेलल अगेन। सो वट शुड बी द राइट प्रोसेस टू राइट इट, वट इज़ द करेक्ट वे टू राइट इट, कैन आई राइट इट लाइक दिस, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दो कॉमन तो ले लूँ भाई यार, ले लिया कॉमन, उसके बाद लैम्डा को जानता तो नहीं है कोई, लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर जानते तो नहीं हो ना, लेकिन और कौन है इसके अलावा, मैं तो नहीं जानता है। तो 2 लैम्डा को मैं सीधे एक सीधे म्यू कह देता हूँ, तो कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी किसी को। अब इसको और इसको कंसिडरेशन में लो, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा जबरदस्ती, मतलब ऐसा बहुत रेयर केस है कि पैरेलल लाइनें ऐसी होगी जिनमें दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हो शुरुआत में, अक्सर ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो सेकंड लाइन को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बनाया जा सकता है, और अगर उसे ऐसा बनाया जा सकता है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ अभी सेम हो गई यार, और तभी मैं उसे लैम्डा ना कह के अब कुछ म्यू कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ परिवर्तन के बाद आई है ऐसे टूल आपके सामने, मैं नहीं बोल रहा कुछ, तभी आप समझ पा रहे होंगे कि वाई वी सेट दिस बी वैक्टर, क्यों मैं इसे बी वैक्टर और इसे भी बी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती नहीं है, ये बी वन हो सकता था बी टू, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, अगर पैरेलल है तो उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, अगर पैरेलल है तो उसे एक जैसा बनाया जा सकता है यार, प्रोसेस बताया भाई मैंने आपको। चलो बढ़िया, शाबाश, इधर आ जाओ। दो पैरेलल मान लेना यार, ठीक है ना, एक एक पॉइंट से पास कर रही है, दूसरी भी दूसरे पॉइंट से पास कर रही, मान लेते हैं। तो ओ ओ ओ ओ ओ समस्या तो नहीं है इतने किसी को, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मान लेते हैं किसी वेक्टर बी के पैरेलल होंगी, मान लेते हैं कोई वेक्टर बी होगा उसके पैरेलल हैं दोनों लाइनें, तो आपके सामने ये लाइन वन कह लो यार, लाइन टू कह लो उसको, लाइन वन कह लो उसको, तो लाइन दोनों किस किस पॉइंट से पास करेंगे, पोजिशन वैक्टर से A1 A2 बन गया। इसको ज्वाइन तो नहीं कर सकता कहीं, अच्छा कर सकता हूँ, और ऐसा तो नहीं कर सकता वैक्टर टाइप का, पी क्यू वैक्टर, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता कोई। भाई तेरे ही तो पीछे पीछे मेरे साथ आई, मेरे साथ आई तू इतरे इतरे समय, इधर देखो A2 वेक्टर मैंने सेट समय, अब मैं बोल रहा यार आइला क्या करें क्या करें, आइला करें क्या करें क्या, आइला करें क्या करेंगे, ऐसे बोलते बोलते मुझे समझ में आ गया कि ऐसा करो, एक ना ये करो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यार थोड़ी देर के लिए, ये ग्रीन कलर का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया अपनी मर्जी से यार, नाराजगी तो नहीं किसी को, एम कह दूँ इसे। अब कितनों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप का बन चुका है, क्यू पी एम तो नहीं दिख रहा किसी को यार, रिक्वायर्ड चीज़ क्या है अपने लिए, हमें इसका आंसर निकालना है ये क्यू एम का, क्योंकि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उनके बीच का डिस्टेंस होगा। अच्छा तो एक बार बताओ यार मुझे, एक बार बताना प्लीज़, वो जो बी वेक्टर ऊपर बना पड़ा हुआ ना, उसको अगर मैं नीचे बना भी देता हूँ, नाराजगी तो नहीं किसी की यार, कि पता चल रहा नाराज हो गए क्यों बना दिया नीचे यार, ऊपर तो था अच्छा खासा। अरे भैया पैरेलल वेक्टर कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो, इक्वल वेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। एक बार बताओ ये जब नीचे आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, बी वेक्टर के साथ इसका एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा है, किसका, A2 वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर का, पी क्यू वेक्टर ही है नहीं है, पी क्यू वैक्टर का इसके साथ बी वैक्टर से एंगल थीटा है, इस चीज़ को मैं क्या ऐसे समझा सकता हूँ कि पी क्यू वैक्टर का एंगल जब भी निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा इनके तो, नहीं आ रहा,
रुक जाओ फिर, डॉट मतलब क्रॉस ले लो। देखो पी क्यू वैक्टर का एक बारी में मैं बी के साथ क्रॉस ले रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा आप जानते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड, दूजे का मैग्नीट्यूड क्रॉस ले रहा हूँ, साइन थीटा और कुछ एक यूनिट वैक्टर। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूँ, खत्म ना बात, ये बच्चे ठीक है, वो उसको करने के पीछे कारण है यार, बड़ा शानदार सा। एक बार बताओ इस चीज को मैंने अगर ऐसा लिख दिया, नाराजगी तो नहीं है किसी को कि भैया पी क्यू वैक्टर को पीछे लिख दिया उसको आगे लिख दिया, मतलब कुछ क्या पता नाराज हो जाएगा, नहीं होंगे? ठीक है मत हो फिर यार, आपका फायदा नहीं होने में नाराज। एक बार बता दो अगर ये एंगल थीटा, कितने लोग एग्री करते हैं कि इट शुड बी थीटा ऑल्सो? नहीं नहीं बोल दो, नहीं करते। अरे शिव एग्री तो नहीं करते यार विश्वजीत? और अगर आप इतने ही खतरनाक हो रखे तो एक बार बताओ, उस ट्राइंगल को मैंने नीचे बना देता हूँ आपके लिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे लग रहा। ये थीटा था, ये क्यू था, ये पी था यार। और मुझे बताओ अगर ये पी क्यू है, कितने लोग मानते हैं मेरी इस बात से, इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये उन्हीं को बताऊंगा जो लाइव में पूछेंगे मेरे से अभी। यस ठीक है, जिसको नहीं आएगा लाइव वालों को आ गया, मैं नहीं बताने का। अगर बताओ चलो किसको समझ में आ गया ये क्यों लिखते हैं, सर बताए यार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे समझते हो सबके सब इसका। चलो यार छोड़ो, इन पे भी इनको भी बता दें, रिकॉर्डिंग वालों को नाराज़ हो जाएंगे। बट पी क्यू, अगर पी क्यू है ना, अगर मुझे इसका आंसर निकालना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं पता इसका आंसर कि पी एम का आंसर क्या, मान लेते नहीं पता, पी क्यू का पता है मुझे क्योंकि मुझे पी क्यू पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी क्यू कॉस थीटा तभी लिखी थी। और सिमिलरली इसका आंसर मान लेते हैं मुझे नहीं पता था लेंथ कितनी है, मान लेते हैं वाई मैंने माना इसे, तो परपेंडिकुलर ये मुझे पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू कितना निकल गया, पी क्यू साइन थीटा, तभी मैंने उसे पी क्यू साइन थीटा लिखा। तो अब आप ये समझ सकते हैं, शॉर्टकट भी होता है इसके लिए, वैसे तो आपको अब तक ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, वैक्टर पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात तो क्यों नहीं, वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन फिर भी जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस हो जाता है, पी क्यू का जिस तरफ थीटा है वो कंपोनेंट कॉस हो जाता है, पी क्यू का जिस तरफ थीटा कंपोनेंट है कॉस हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट मजेदार बात है, आपने ट्रिगोनोमेट्री लगाई है जो कि आपने क्लास टेंथ वाली लगाई है यार, तो ये नहीं कि पी क्यू वैक्टर कॉस थीटा ऐसा लिखते हैं गलती से, पता नहीं क्यों लोग, पता नहीं क्यों लिखते हैं यार सच में, पी क्यू वैक्टर नहीं लिखने का, फिजिक्स पढ़ाते समय लिखते हैं लोग उटपटांग तरीके से, पढ़ाते समय पढ़ते समय दोनों समय। फिलहाल ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ यार, मैग्नीट्यूड है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ और वो भी मैंने तो ये हो गया। तो कितने लोग यहाँ एग्री करते हैं मेरे से कि ये जो पी क्यू साइन थीटा है ये तो यार वही है जो अपने को चाहिए था, क्यू एम नहीं है क्या, ये क्यू एम है, इस क्यू एम को थोड़े के लिए डिस्टेंस डी कह दूँ यार, तो कितने लोग समझ रहे हैं कि ये डिस्टेंस डी है अपना, तो डी को मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि पी क्यू वैक्टर, पी क्यू वैक्टर की वैल्यू लिख रहा हूँ, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर वैल्यू थी, इधर देखो इधर क्रॉस बी वैक्टर मैग्नीट्यूड था इसका, डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। खैर ये तो किसी के समझ आया नहीं होगा, समझाने वाला भी तो ढंग का होना चाहिए, क्यों ऐसे थोड़ा आ जाता समझ में, बोलो आया किसी समझ में, देख लो यार ले देखे कर लो, कुछ आ गया होगा बोल दो, हाँ आ गया, आ गया तू इत्र इत्र सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे, तू नज्म नज्म सा मेरे आँखों में, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी तुझसे मोरे, हाथ थाम ले पिया मैं तेरी रबाई, नहीं नहीं मर जाते आई बरसात आई। चलो एग्जांपल भी दे दूँ आपको इसी बात में, क्या याद रखोगे यार आप भी, कि पढ़ा था यार किसी से पाला, आ जाओ इधर, करते हैं ये वादा
याद रखना फॉर्मूला यार है फॉर्मूला। अब डेरिवेशन इसलिए करा दिया क्योंकि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी वो रहे, थोड़ा सा क्लियरिटी टाइप की रहे आपको फॉर्म, मतलब याद आ जाए आपको कि हमने किया क्या था यार, है ना। इसलिए तो ए टू माइनस ए वन करना, उसको क्रॉस बी के साथ करना कर लेना क्वेश्चन खुद, ठीक है ना अभी, क्योंकि मुझे कोई खास अनफॉर्चुनेटली आपकी एक्सरसाइज में कोई दे नहीं रखा। मैं कल इसे डिस्कस करता हूँ, फिर कल ख़त्म हो गया वैसे अली एक्सरसाइज 11.2 है, लेकिन इसके कुछ जैसे क्वेश्चन है, जैसे 12th क्वेश्चन है इसका, 17th क्वेश्चन है, तो ये मुझे कराने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है इसके। कोशिश करना, खुद कर लो पहले। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं भाई प्रेजेंट, एक बार बता दें कि हम प्रेजेंट थे, ऐसे वैसे करके कुछ ना कुछ बताएं। करते हैं ये वादा तुझसे ही आरजू। अरे गुड टू सी दिस यार, HCYT, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से हमने मुझे लगता है कर लिया। 8:30 बजे स्पेशल क्लास है मेरी थोड़ी देर बाद अनअकैडमी में, ठीक है। लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम में दिख रहा होगा सबको, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर पहुँचे, 8:30 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बड़े धैर्य के साथ आपने सुना मुझे मेरे गाने को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। उधर मेरे अल्लाह हो भी मशहूर, करो ना कभी तू नजरों से दूर। कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है, जानदा है दिल ये तू, जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है, काटूं कैसे रातां हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संग आ रे। तू ही तू मेरे दिल का दिल में। वसीम शाबाश, बहुत अच्छा, गुड लक, बहुत बढ़िया, वेल डन।